छोटा बकरिया हम हमारे रे जमाने सब करो करियाओ तो हम क्या उगा रहे थे इतना ही करिया कुछ नहीं ना पहले शांत रहा पहले मुंह से तो आए रहे तो काम लोग लगा था तो हम कहे कल माले को कहे का ही दी ये का को कहे का ये का है ये का को नहीं का पहले पहले अच्छा ये तो मैं अच्छा ना कर यार तू लग सकता सब एक मिनट चौथिया बता दे मैं कहता कि मैं इसको कलम छिपा के ना वो ये तो मार भर वाला ना वो ये तो अरे कि मार मत दे नमस्कार, मैं अमर मणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। अभी हम आए हुए हैं, ये बघौड़ी का यह ग्राम पंचायत बघौड़ी है, बघौड़ी, और ये जो इसका थाना पड़ता है वाल्टरगंज। वाल्टरगंज थाने में ये बघौड़ी ग्राम सभा है। हम आए हुए हैं, एक व्यक्ति है यहाँ पे, काफी आप लोग देख सकते हैं रहन सहन, और आज भी इस जगह पे आपको छप्पर दिखाई दे रहा होगा। इस छप्पर को आप लोग, हम कहेंगे कैमरामैन से पूरा छप्पर जो है ये दिखाएं, और इनका ये घर है, घर वाले का नाम क्या है तो बताएंगे आप। राम मिलन। आपका क्या नाम है? राम मिलन। आपका नाम राम मिलन है? हाँ। तो ये आप ही का था क्या सर? हाँ, हमारे हम ही रहते रहे, यहीं पे रहते हैं। हाँ। तो आज तक आप लोगों को कुछ मिला नहीं सरकारी सुविधा वगैरह? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ। जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन लोगों से, जैसा कि इन्होंने नाम बताया, राम मिलन नाम है इनका, और आज के इस 21वीं सदी में जहां पे सरकार एक एक चीजों पे ये बताती है कि घर घर पानी, घर घर मकान सबका बना के हम दे रहे हैं, उस स्थिति में भी राम मिलन का आज का घर आप लोग देख सकते हैं किस स्थिति में था। लगभग यहाँ पे वो 35 से 40 साल हो गया होगा इसी छप्पर में रहते हैं। और यहीं पे मैं कहूंगा कैमरामैन से अंदर आ जाए, थोड़ा सा दिखाएं जहाँ पे वो लोग अपना भोजन वगैरह बनाते रहे होंगे या रहते हैं यहाँ पे, उस चीज को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कोई इसी गांव का, शायद ही इसी गांव का कोई अपने आप को दबंग व्यक्ति कहता है, उसने ट्रैक्टर टाली ला के इस टूटी फूटी छप्पर को भी गिरा दिया है। आप लोग सोच सकते हैं, अतीक अहमद का तो केवल नाम वहां था प्रयागराज में, आजकल इस वाल्टरगंज थाने में नया अतीक अहमद का जन्म हो रहा है, अगर कह सकते हैं तो कह लीजिए आप। आप सोच सकते हैं कि इस जगह को अगर ट्रैक्टर टाली से तोड़ दिया गया है, और ये लोग अपनी शिकायत लेके, चूंकि गए भी थे थाने पे, शिकायती पत्र भी मेरे पास है, उस शिकायती पत्र पे यहाँ पे एक पुलिस वाले और एक होमगार्ड, या दोनों ही दीवान जी रहे होंगे या कोई आए थे यहाँ पे और आके चले गए। क्या कुछ कहे वो, कुछ कहे आप लोगों से? कहीं ध्यान बुलाए ना थाने पे। हाँ। आपको भी बुलाए? हाँ। उनको भी? हाँ। और उन लोगों को, अभी उन लोगों के घर पे गए वो लोग की नहीं? नहीं गए थे, वो लोग घर पे है ही नहीं है। अच्छा, वो लोग भाग गए घर पे। जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे कि वो लोग कम से कम उनके घर पर, घर तक गए और घर से वो लोग चले गए। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि इस टाइम में 21वीं सदी में जहां एक एक माफिया अपने आप को उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं अलग होना चाहता है, वहां पे नए नए माफियाओं का जन्म हो रहा है, अगर ये कहें तो कोई कहने की बात कम ही है। क्या नाम है आपका? बेबी जी, आप यहाँ पे क्या है, आप इनके घर की है क्या? पत्नी है। राम मिलन की पत्नी है आप? तो कैसे, क्या हुआ, पूरा माजरा क्या था? आई नहीं यहाँ से जुड़ते तुरंत चौकहीन की हमारे खनिया बोले लागिन गाड़ी दीन, उन्होंने गाड़ी दीन, हमू गाड़ी दीन, उन्हें ढकेल दीन, वे उनके
ये जो जेकर बिनवत है बिनवत के क्या नाम है जिसने ये किया है? वो है रिंकू। रिंकू, रिंकू अजय। आपके सामने ये तोड़ा गया है सब? हमारे सामने तोड़ा गया। आपके कितने बच्चे हैं? चार, दो बिटिया और दो बेटवा। वो लोग भी यहीं थे? नहीं, वो लोग नहीं थे। कब आए यहाँ? खाली हम रहन साहब अकेले। आप ही थे अकेले? अकेला यहाँ पर थे। अच्छा। हाँ, वो सब बाद में आए हैं। जब वो ये बिरादी है आधा हमारे ही, आधा हमारे इधर बाकी रह गया, तब वो लोग पहुँचे। हाँ। तब आपके घर वाले पहुँचे? हाँ। कौन कौन है आपके घर के, इनके घर के, यहाँ पे कौन लोग हैं? हम लोग चार हैं। सब जाओ तो आप हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, यहाँ पे क्या हुआ था, क्या पूरा मैटर क्या था? यही हुआ था सर, हम घर पे थे, यहाँ पे सब वहाँ से आए हैं, सब लोग कुछ बात विवाद हुआ, ये दोनों गाड़ी दिए महिला आपस में। इसके बाद वो फोन की, इन दोनों में आपस में कुछ मैंने हाथापाई हुआ। इसके बाद इन्होंने दोनों कुछ बोला, हम लोग गए छुड़ाने तो उनको इनको ढकेल दिया पिताजी के हमारे। अच्छा। हमको हम उनको तो मैं कहूंगा कैमरामैन से एक बार दिखाएं, उनको कुछ चोट भी लगी है क्या? हाँ, कमर में आपको? हाँ, ये कमर में चोट लगी और ढकेल दिए थे वहाँ पर, जो छोड़ा रहे थे वो ढकेल दिया। जवान आदमी झटक दिया। कौन धक्का दिया था? विजय। विजय, क्या नाम है उनके पिताजी का? रामदेव। रामदेव, रामदेव के भाई के बेटा। रामदेव के भाई के बेटा लड़का है। क्या नाम है उनका जिसके वो लड़के हैं? विजय। हाँ, रामदेव। रामदेव के लड़के हैं? अजय। अजय रहा, अजय, अजय, अजय। हाँ, अजय विजय दोनों थे। हाँ, क्या जानते हो कि कौन गिराया था इसको? ये गिराए हैं वो, क्या नाम है छोटे वाले का? रुकिए सर, मैं बताता हूँ आपको। चलो, क्या नाम है आपका? वो है झलहनिया के रहने आपका वाले। नाम सर? मेरा नाम गणेश चौधरी है, मैं छोटा बेटा हूँ। अच्छा, आप उनके छोटे? वो झलहनिया के रहने वाले हैं, वो इस गांव के नहीं है। वो लोग जो गिराए हैं इसको? हाँ, वो किस लिए गिराए हैं सर? ये विनोद का नंबर पीछे है, ये खेत जो है उनकी बहन साले है। वो लोग उनके साले है, उन लोग का टट्टा ट्राली लेके आए थे, वो लोग गिरवाए हैं। अपने सालों को बुलाए थे? साले उनको साले हैं, वो लोग आए थे। वो किस गाँव के हैं? वो झलहनिया के सर, ये बगल में झलहनिया है। अभी 5 साल पहले उनके भाई प्रधान थे संतोष। अच्छा। अब उन्हीं के दोनों भाई थे, इनका एक, उनका नाम है रिंकू, अजय, और उनके चाचा के एक लड़का है विजय। तो आप लोगों ने इसको मना नहीं किया, रोका सर? मना सर, उनके पास मरेंगे क्या फायदा सर? जबरदस्ती इसको गिरा दिया, लाठी और डंडा भी लेके आए थे साथ में, वो भी वीडियो में है। आप लोग बनाए वीडियो? मेरी बहन बना रही थी, उनका जो भाई रिंकू था वो बोला है उसको कि 20 लाठी मारो, जो होगा मैं देख लूंगा। उनका भाई रिंकू बोला ऐसे। हाँ, वही वीडियो बना रही थी। कमला, क्या हुआ था बाबू? मैं जब लोग ट्रैक्टर से गिरा रहे थे और मैं इसलिए वीडियो बना रही थी कि सबको दिखा सके, मतलब साबूत। और उन्होंने बोले कि वीडियो मत बनाओ। और उनकी कौन बोला वीडियो नहीं बनाने के लिए? रिंकू। वो आपके गांव के हैं? जलानिया के हैं? अच्छा। बोले कि वीडियो मत बनाओ। बोले कि क्यों नहीं बनाए? और बोले थे कि मोबाइल छोड़ लो। हम कहने मोबाइल नहीं, हम बोले कि मोबाइल नहीं देंगे, अपने बहन जैसे मंगवा उनको, मार लो मोबाइल, छोड़ लो मार कर, और जो उनका देख लेंगे। ये किसने बोला था? रिंकू। रिंकू ने बोला कि मारो। हाँ, मार को मोबाइल छोड़ लो। अच्छा। हम बोले कि नहीं देंगे, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग बंद कर दिए, नहीं तो और बनाए होते। अच्छा, कुछ वीडियो बना हुआ है? वीडियो कहाँ है? लाओ दिखाओ थोड़ा सा। मारने को जब धमकी दी तो हम मोबाइल बंद कर लिए। हमको मारने, हमको मार के मारने की बोले कि उनको डंडा से 20 पर लाठी मारो, उनका देख लेंगे। तो उसके बाद आपने क्या किया? ये मैं कैमरा मैन से कहूंगा, एक बार जूम करके अगर दिखा सकते हो इस वीडियो को तो दिखाए। ट्रैक्टर भी उसमें, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को भी। छोटा मकरिया हम ना ही है तो करे तादाद हल तक हमारे रे दुआरे तो हम कहे कहीं कहा।
और अगर इस तरह की हरकत इस टाइम में हो रही है, चूंकि आचार संहिता भी कहीं कहीं लागू हो चुका है, धारा 144 लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद बेखौफ होकर अगर इस तरह का कृत्य किया गया है, घिनौना कृत्य किया गया है, तो उन लोगों को इसकी सजा अवश्य मिलनी चाहिए, ताकि ये नायाब हो, आगे आने वाले कोई भी ऐसे व्यक्ति ना हो कि बस्ती पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की कोई दुर्घटना या घटना करने की हिम्मत रखता हो। अगर इस चीज पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो रिपब्लिक न्यूज टीवी इस चीज को पूरे दमखम से उठाएगा। और यशो साहब, आपको रिपब्लिक न्यूज टीवी की तरफ से मैं कह रहा हूं, आपको अमरमणि मिश्रा, अगर इस चीज पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसका जवाब आपको यहां से लेके ऊपर अपने पूरे अधिकारियों को देना पड़ेगा। अगर इस तरह तरीके की घटना आपके थाने पे हो रही है यशो वाल्टरगंज साहब, तो कम से कम आपको यहाँ पे आना चाहिए था। अगर इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इन लोगों के सामने ट्रैक्टर ट्राली से किसी का घर गिराया जा रहा है, तो बहुत ही घिनौना कृत्य है। इस चीज पे अगर कल जो भी बात होती है आप लोगों से, एक बार हमको जरूर बताइएगा आप लोग। अभी अगर इस चीज पे कोई कार्यवाही नहीं होती है, मैं यशो साहब से भी इस चीज के लिए बात करूंगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।